अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद सिराज रजवी फिर एक नए वीडियो के साथ मेरे चैनल में आप लोगों का इस्तकबाल है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज हम आपको ज़ियारत करा रहे हैं लखनऊ शहर के मेडिकल कॉलेज में वाक़ हज़रत शेख क़वामुद्दीन अलमारूफ हाजी हरमैन रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार अक़दस की, और मैं वहीं आपको ले चल रहा हूँ इस वक्त। नाज़रीन, इस वक्त हम मेडिकल कॉलेज चौराहे पे आ चुके हैं। हज़रत शेख क़वामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पैदाइश कड़ा मणिकपुर में हुई थी। हज़रत शेख क़वामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का बचपन मणिकपुर में गुजरा था। आपकी तालीम भी मणिकपुर में हुई थी। कुछ वक्त बाद हज़रत शेख क़वामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपना प्यारा वतन छोड़कर लखनऊ आ गए और यहीं रहने लगे। हज़रत शेख क़वामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत हाजी हरमैन साहब के नाम से जाना जाता है। हज़रत हाजी हरमैन रहमतुल्लाह अलैह के पीरों में से हज़रत नसीरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह है, और आप रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद ग्रामी हज़रत मखदूम जलालुद्दीन जहानिया जहांदस रहमतुल्लाह अलैह से हासिल हुई। हज़रत हाजी हरमैन रहमतुल्लाह अलैह को कुछ तालीम हज़रत शेख कुतुबुद्दीन दमस्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जो मुसन्निफ़ रिसाला मक्किया है उनसे भी हासिल हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी में 7 बार हज किए। एक बार आप रहमतुल्लाह अलैह एक वादी से गुजर रहे थे कि अचानक रास्ते में आपने देखा कि एक कुत्ता प्यास की वजह से तड़प रहा है। चारों तरफ दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं पड़ रहा था। यहाँ देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ोर से बोले कि कोई यहाँ है जो इस प्यासे कुत्ते को पानी पिला दे और 7 हज का सवाब ले। आप रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ सुनकर एक शख्स वहाँ पानी लेकर आया। उसने कुत्ते को पानी पिला दिया। पानी पीकर कुत्ता सही हो जाता है। उसी वक्त एक गैबी आवाज़ जाहिर होती है कि जब तक तुम्हारी ज़िंदगी रहेगी हर साल तुम्हारे नाम से एक हज मबरूर यानी लिखा जाएगा, इसी वजह से क्योंकि तुमने उस कुत्ते पर रहम करके पानी पिलाया। आप रहमतुल्लाह अलैह को रईसुल आरफीन के नाम से भी जाना जाता है, और आप रहमतुल्लाह अलैह के ही घर में हज़रत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह के परवरिश हुई, और हज़रत शेख सारंग रहमतुल्लाह अलैह आपके ख़ास मुरीदों में शुमार होते हैं। और आप रहमतुल्लाह अलैह शेख सारंग को खिलाफत भी नवाजना चाहते थे, लेकिन आपके विसाल के वक्त वो वहाँ मौजूद नहीं थे। आप रहमतुल्लाह अलैह का विसाल शाबान महीने की 20 तारीख को सन 800 हिजरी बामुताबिक 1397 ईस्वी में हुआ था। आपका उर्स बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मेरी वीडियो पूरी हो चुकी है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।